आम चुनावों को लेकर ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। विपक्षी दल ईवीएम के साथ वीवीपैट लगाने की मांग कर रहे हैं। अब बीजेपी की सहयोगी पार्टी ने भी विपक्ष के सुर में सुर मिलाकर ईवीएम के बहाने नए इशारे किए हैं। शिवसेना ने ईवीएम को लेकर सरकार पर ऐसा तंज कसा जो बीजेपी को तो घेर ही रहा है, साथ ही नए समीकरणों के संकेत भी दे रहा है। विपक्षी दल जब भी ईवीएम को लेकर मोदी सरकार को घेरते हैं तो मोदी के मंत्री हमेशा यही राग अलापते हैं कि ईवीएम बहाना है, विपक्ष का चुनाव पर निशाना है। लेकिन अब बीजेपी के सहयोगी शिवसेना ने भी ईवीएम को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है, लेकिन उसका निशाना चुनाव के साथ नए समीकरणों पर नजर आ रहा है। जी हां, शिवसेना ने ईवीएम के मुद्दे पर विपक्ष के सुर में सुर मिलाकर अटकलों को तेज कर दिया है। पार्टी ने मुखपत्र सामना में लिखा कि ईवीएम में अगर इस तरह से गड़बड़ियां जारी रही तो लंदन और अमेरिका में कमल खिल सकता है। इतना ही नहीं, पार्टी ने कहा कि बीजेपी जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, ईवीएम में तो गड़बड़ी उसकी आदत बन गई है। इसके साथ ही पार्टी ने ईवीएम को राम मंदिर के मुद्दे से जोड़ते हुए कहा कि जब पार्टी लंदन और अमेरिका में ईवीएम से कमल खिलाने के सपने देख सकती है तो फिर अयोध्या में राम मंदिर का कमल क्यों नहीं खिला, इसका जवाब दो। शिवसेना का ये तंज मोदी सरकार से उनकी तकरार को तो बयां कर ही रहा है, साथ ही नए संकेतों की ओर भी इशारा कर रहा है। अटकलें जोरों पर हैं कि एनडीए की सबसे पुरानी पार्टी शिवसेना अब उसका साथ छोड़ सकती है। दरअसल शिवसेना सूबे में खुद को बड़ा भाई बता रही है। पार्टी का कहना है कि हमारा खासा रुतबा है, इसीलिए हमें ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, जबकि इस बार बीजेपी को झुकना होगा, लेकिन बीजेपी मानने को राजी नहीं है। पार्टी 50-50 के फॉर्मूले पर लड़ने को तैयार है। इस दोस्ती में दरार इस कदर बढ़ गई है कि अब टूट की कगार पर है। हालांकि पहले भी कई बार दोनों पार्टियां जुदा हुई हैं, लेकिन इस बार तो शिवसेना एनडीए छोड़ विपक्ष के साथ के ही संकेत दे रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।